हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। बात की जाए इस नॉवल की, ये जो नॉवल है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इस तरीके की नॉवल मैंने पहले एक ही पढ़ी है और मुझे उसका नाम भी याद है। मैंने ज़्यादा इस तरीके की नॉवल जो है वो नहीं पढ़ी है, लेकिन मुझे इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी पसंद आया। जब मैंने इस तरीके की पहले नॉवल पढ़ी थी उस टाइम पर भी मैंने यही चीज़ बोली थी कि काफ़ी डिफरेंट है और कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग है, तो कुछ अलग पढ़ने में ही मज़ा आता है, राइट? तो अगर आप लोग को भी मेरी तरह कुछ अलग पढ़ने को चाहिए है तो डेफिनेटली आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। बट इसमें क्या चीज़ें हैं जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो का अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। फिलहाल मैं आप लोग के साथ इसकी डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है माय चाइल्डिश मैन। इसकी जो रेटिंग है वो 4.9। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है मिस्ट्री गर्ल। शायद इस वजह से इन्होंने इतनी ज़्यादा मिस्ट्री जो है इस कहानी में बनाई हुई है। अब वो क्या मिस्ट्री है ये तो मैं अभी आप लोगों को बता ही दूंगी, नहीं मिस्ट्री नहीं बताऊंगी लेकिन बहुत सी चीज़ें बता दूंगी। इसके चैप्टर्स हैं वो हैं 42 ऑलमोस्ट, मैंने सारे चैप्टर्स जो हैं वो रीड कर लिए हैं। अब बात की जाए मेन कैरेक्टर्स की तो वो हैं विद्युत आहूजा और दूसरी तरफ जो हमारी हीरोइन है उनका नाम है मानी, राइट? काफ़ी मतलब कह लो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नाम है यार इसका, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि या तो मैं ही गलत पढ़ रही हूँ या फिर नाम ही ऐसा है, बट चलो ठीक है जो भी है। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन बताया गया है कि कहते हैं प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। ये वो कड़ी है जो दो लोगों के बीच एक बार पूरे दिल से जुट जाए तो उन्हें हमेशा साथ रखती है। इश्क चाहने से नहीं बल्कि खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन क्या हो जब एक अनाथ लड़की को हो जाएगा प्यार। मानी अनाथालय में पड़ी बड़ी थी। एक रोज़ शहर के जाने माने आहूजा परिवार के इकलौते वारिस विद्युत आहूजा से उनकी मुलाकात हुई, जो कि हादसे का शिकार होने की वजह से मानसिक रोगी हो चुका था। उसकी देखभाल करते हुए मानी को हो गया विद्युत से प्यार। लेकिन क्या मानी जैसी आम दिखाई देने वाली लड़की एक आम इंसान है या उसके पीछे छुपे हैं कई राज? बिल्कुल राज छुपे हैं। आप कहानी पढ़ोगे आप लोग खुद पता चल जाएगा कि वो अनाथ आश्रम जो है वो उनको मैनेज भी करती है, लेकिन साथ साथ उनकी एक हिडन पर्सनैलिटी, एक हिडन आइडेंटिटी जो है वो भी आप लोग को देखने को मिलती है। अब वो क्या है ये तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे। दूसरी तरफ हमारे हीरो की बात की जाए तो देखो यार, मुझे दिल से उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि यार देखो जब उनकी एक मतलब उनको एक फैमिली की एक हैप्पी इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, उस टाइम पर उनकी फैमिली ही उनका साथ छोड़ रही है जस्ट बिकॉज उन्हें लगता है कि हमने इनके ऊपर इतने पैसे खर्च कर दिए और ये इंसान जो है वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा है। और तो और वो चाहते हैं कि बस वो इनकी लाइफ से एकदम चला जाए, समझ रहे हो? लेकिन उनकी फैमिली में बस एक उनके दादाजी ही हैं जो कि अपने पोते को जो है वो अच्छे से रखते हैं और चाहते हैं कि उनका पोता जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उन्हें वो हर खुशी देना चाहते हैं जो कि वो डिज़र्व करता है। लेकिन क्या चीज़ें इतनी आसान होती हैं? एक टाइम वो था जब उस पोते की वजह से, उस बेटे की वजह से तुम्हारी जो ये कह लो कि फैमिली है वो स्टैंड कर रही थी, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? मतलब जब तक वो तुम्हें अच्छे से कमा के दे रहा था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, तब तक तो वो बेटा तुम्हारे लिए ऐसा था कि उसने जो बोला वही सही, वो बेटा ही सबसे प्यारा, समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो वही मतलब उस बेटे की वजह से ही तुम्हें वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जो है वो जीने को मिल रहा है। लेकिन जब एक टाइम आया उस एक्सीडेंट में उनके साथ ये चीज़ें हुई, तब तुम्हें लगता है कि क्या बोलते हैं वो नकारा है या ऐसा है। ये चीज़ें सुनने में ना बहुत हर्ट करती हैं एक इंसान को, समझ रहे हो आप लोग? तो इस वजह से मुझे लगता है कि किस तरीके की फैमिली है यार, मतलब ना ही हो ऐसी समझ से तो फैमिली हो, तो किसी की ऐसी फैमिली हो तो फिर तो हम क्या ही कह सकते हैं। उन्हें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, एक प्यार की ज़रूरत है ताकि वो ठीक हो सकें, लेकिन नहीं, तुम उसको बार 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 नीचा दिखा रहे हो, उसको क्या समझा रहे हो, वो एक तरीके से वो पूरे बच्चे की तरह है यार, समझ रहे हो? बट क्या बोलूँ मैं इन चीज़ों को लेके, ये एक चीज़ थी जो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। लेकिन इस चीज़ को बैलेंस करते हुए जो उनके दादाजी का उनकी तरफ बिहेवियर था वो बहुत पॉजिटिव था, तो कहीं ना कहीं मैंने फिर भी एडजस्ट कर लिया इस चीज़ को लेके। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की बात की जाए तो जब उन्हें भी ये चीज़ें पता चली तो उनको भी बहुत ऐसा लगा कि यार कि नहीं बहुत गलत हुआ है इनके साथ, तो इस वजह से वो भी उनका जो है वो उनके साथ दोस्ती करती हैं, उनका ध्यान रखने की कोशिश करती हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को डील करने में उनकी हेल्प करती हैं। और तो और इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो बिज़नेस में भी लॉस हो रहा है, वो इनके दादाजी की भी हेल्प करती हैं। कब तक वो देखेंगे, क्योंकि इनका जो हमारे हीरो का भाई है उनको भी कोई एज सच कोई मतलब नहीं है। एक वो थे जिन्होंने अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान जो है वो दांव पर लगा दी, और आज वही फैमिली है जो कि तुम्हें चाहती है कि तुम हो ही ना शायद इस दिन, ताकि उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी वजह से जो है वो तुम्हारी वजह से सॉरी
कि उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी किस तरीके से लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करें, तो ये चीज़ें ना बहुत गलत होती हैं। यहाँ पर मैं बहुत हर्ट हो रही थी, बट चलो ठीक है जो है। अब हमारी हीरोइन की बात की जाए तो उनका किस तरीके से मिलना हुआ और क्या चीज़ें हुई वो तो आप लोग खुद ही पढ़ोगे, लेकिन हाँ ये कह लो कि इनकी बॉन्ड बहुत अच्छी है और धीरे धीरे वो किस तरीके से इनके लिए जो है वो स्टैंड ले रही हैं, इनकी हेल्प कर रही हैं, कैसे इनकी शादी होगी, क्या शादी होगी और क्या इनके बीच में कुछ अलग देखने को मिलेगा, कब जो है हमारे हीरो पूरे तरीके से रिकवर हो जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद भी उन्हें जो है वो इस तरीके की फैमिली से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे बुरे में तुम्हारे मतलब तुम्हारे हाँ तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ साथ नहीं है ना, वो तुम्हारी अच्छाई में साथ होकर भी क्या ही करेगा, समझ रहे हो। मुझे नहीं लगती है चीज़ें बिल्कुल भी ठीक, जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आया वो उसको तुम उस क्यों अपने उसमें बुला रहे हो खुशी में, राइट। तो ऐसी मतलब मेरी सोच है, बाकी मुझे नहीं पता, मे भी बहुत सारे लोग अलग सोचते हैं और बहुत अलग थिंकिंग है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि इस चीज़ों के हिसाब से जो हमारी सोच है वो बदलती है हम चीज़ों को जब देखते हैं। एज सच हमें इतना ज़्यादा ये चीज़ें शायद रियलिटी में ना भी देखने को मिले, क्योंकि ये चीज़ों का होना बहुत डिफरेंट होता है, कहानियों में और हकीकत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है ना। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं इंसानियत की, फैमिली से अच्छे सपोर्ट की, प्यार की, केयर की, है ना। लेकिन ठीक है, अब जो चीज़ें हैं सो है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही जो है वो कहानी कुछ डिफरेंट बनी। अब इस तरीके की कहानी मैंने पहले भी पढ़ी है, लेकिन उसमें बहुत जल्दी जो है वो हमारे हीरो एकदम से ही रिकवर हो गए और उनकी जो फिर पर्सनालिटी निकल कर आई ना वो बहुत डिफरेंट थी, तो वो थोड़ी अलग हो गई। लेकिन इसमें अभी तक चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग हैं और अच्छा खासा सस्पेंस, मिस्ट्री, थ्रिल वगैरह बना हुआ है, साथ ही साथ कॉमेडी, एंटरटेनमेंट भी है, इमोशनल चीज़ें भी हैं, ड्रामा भी है और हाँ ये चीज़ें हैं। बस कुछ ट्रॉमा कह लो, मेंटली इमोशनली हर्ट करने वाली चीज़ें भी हैं, लेकिन वो टोटली अप टू यू कि आप कितना उसको जो है वो खुद पर लेकर जाते हो, ठीक है। मैं बोलूँगी इतना ज़्यादा मत सोचना इन चीज़ों के बारे में, लेकिन इस तरीके का कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है, तो अगर आप लोग को पढ़ना है तो डेफिनेटली जाके पढ़ सकते हैं। मैं किसी को जो है वो नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल हाँ जाके पढ़ लो, नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, मैंने अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आगे देखते हैं इस कहानी में और क्या क्या होता है, बट हुआ बहुत कुछ है, लेकिन मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता ही दी है ना। तो आगे किस तरीके से कहानी जो है वो सामने आती है, कैसे चेंज होता है, क्यों हमारी हीरोइन जो है वो एक अलग आइडेंटिटी के साथ जी रही हैं, क्या उनका मकसद है या फिर उन्हें भी किसी से रिवेंज लेना है, ये तो आप लोग खुद कहानी में पढ़ोगे तो आप लोग को धीरे धीरे जो है वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं इस कहानी के बारे में क्या बोलूँ, टैग्स मैंने ऑलरेडी दे ही दिए हैं और रिकमेंडेशन की भी मैंने आप लोग को बता ही दिया है, और बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा वो ये, इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है सोर्ट लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉल बुक है आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक इस वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।